नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम को 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार तो आज राहुल गांधी ने लगाई है, वो भी दिल्ली से। दरअसल राहुल गांधी ने आज दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की और इसके साथ ही इस दौरान तमाम सारे आरोप लगाए गए और ललकार थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। राहुल के मुताबिक इन दिनों देश में भ्रष्टाचार की आग फैली है और यह आग कोयले में लगी है, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री की ईमानदारी को धू धू कर जलने का दावा कर रहे हैं। बिजली के संकट से जूझते इस देश में हुए महाघोटाले ने कोयला आवंटन में पनप चुके सड़ांध का पर्दाफाश पहले भी हो चुका है। यूपीए सरकार के दौरान तब विपक्ष में रही बीजेपी केवल कोयला घोटाले को ही नहीं बल्कि अन्य घोटालों को भी पुरजोर तरीके से उठाती रही है, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को उठाना पड़ा है। और अब जब बीजेपी सत्ता में है तब लगातार राहुल गांधी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। खासतौर पर अडानी ग्रुप को लेकर राहुल अक्सर बेहद आक्रामक नजर आते हैं। अब एक बार फिर अडानी ग्रुप के सहारे राहुल ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है और 32,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पांच राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दांव खेला। लंदन के अखबार में छपी एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है, जिसमें अडानी समूह, कोयला कीमतों और मोदी सरकार के फैसलों को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं। राहुल ने अब राज्य में महंगी बिजली का जिम्मेदार उद्योगपति अडानी को बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा है कि अडानी ग्रुप ने कोयला इंपोर्ट करने में कोयले की कीमतें ज्यादा दिखाई हैं और बिजली के दाम बढ़ा दिए। इस तरह से अडानी ग्रुप ने जनता की जेब से 32,000 करोड़ रुपए ले लिए। राहुल गांधी के मुताबिक अडानी ग्रुप ने 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक ये कोयला भारत पहुंचता है उसका दाम दोगुना हो जाता है। ऐसे में करीब 32,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाले। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप कोयले की कीमतों को बढ़ा हुआ यानी कि ओवर प्राइस दिखाता है, जिससे यहाँ बिजली की कीमतें बढ़ जाती है। अडानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइसेस। मिस्टर अडानी buys coal in Indonesia and by the time the coal arrives in India its price doubles and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India. ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा documentation है इनके पास, मगर कोई action नहीं। और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। और करवा कौन रहा है, अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा, अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है, पता नहीं और कितना है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी को यूपीए सरकार की याद दिलाते हुए खीज और बेवजह की बकवास बताते हुए जमीनी सच्चाई से अनभिज्ञ करार दिया। मुझे लगता है कि जनता याद रखेगी मोदी जी का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट जो उसके खाते में जाता है, और राहुल गांधी के पिता का बयान याद रखेगी कि पहले यहाँ का देश का प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजता था, 15 पैसे पहुंचते थे, 85 पैसे बिचौलिए खाते थे या दलाल खाते थे,
लेकिन जब मोदी भेजते हैं तो 100% चाहे वो महिला के खाते में जाए, चाहे वो किसान के खाते में जाए, चाहे वो वृद्ध के खाते में जाए, वो 100% जाता है। और ये जो खीज है वो इस बात की है, गरीब आदमी इसे याद रखेगा, ये बेमतलब की जो बकवास करने की आदत है इसे याद नहीं रखेगा। राहुल गांधी को जमीनी सच्चाई न कभी समझ में आई और शायद न कभी आ पाएगी। अब अडानी समूह का जिन्हें एक बार फिर से बाहर निकलने के बाद सियासी पारा हाई होना लाजमी, लेकिन इस पर बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि अडानी मामले को तूल देकर क्या राहुल गांधी आगामी चुनावों में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर खुद की सियासी नया पार लगाना चाहते हैं।